माने जानिछंति कि किए एही कासतंडी केवल शरत ऋतु रे काही कि फुटी थाए कासतंडी फूल मां को पूर्वरु आसी थाए आउ मां को विसर्जन परे मोळि जाए। कासतंडीर पूर्व जन्मर कहानी आउ ए सबुर रहस्य आपण माने जानिछंति कि कासतंडी फुले मही दिसै धवळ सरोवरे फुटी अछि कुमुद कमळ माँ को आगमन रे माँ को स्वागत करिबा पई फुटी थाए कासतंडी फूल एने कुहंती अनेक किंतु प्रकृत रे कासतंडीर कण रहिछि रहस्य चलंतु जानिबा आजर एही वीडियो रे। पुराण जुगर कहानी ये गरीब घरर झियटिए नाम ताहार कासतंडी। कासतंडी सबुदिन नदी बठा को बुलिबाकु जाए आउ सही बाट दे सही राज्यर राजकुमार सबुबळी बुलिबाकु आसंती। सहजित से राजा घर पुओ आउ देखिबाकु भारी सुंदर कथारे अछि ना राजकुमार परिबर आउ सीए निजे राजकुमार भावंतु केते सुंदर से होइथिबे। आउ तापरे कासतंडी राजकुमार को देखी मने मने तांको मन दे बसिला आउ सबुदिन राजकुमार को देखी तांको भल पाइगला। हेले से तो राजकुमार तांको पाई कण झियर अभाव की हेले काहे की जानी राजकुमार मध्य कासतंडीर रूपलावण्य को देखी से मध्य तांको पाई पागल हो जाइथिले। कासतंडीर से धोब फर फर गोरा देहटी को देखी राजकुमार मध्य कासतंडी को भल पाई बसिले आउ तापरे दुहे दुहिं को भल पाई बसिले आउ तांको प्रेम मध्य निबिड़ हेबाकु लागिला। आउ तापरे दुहे परस्पर को सबुदिन से ही नदी पठारे देखा कले से ही खोला आकाश नदी पठार से सुंदर जगार दुहे उड़ी बुलुथिले खोला आकाश रे। आउ तांको संपर्कर मेलनर निबिड़ संपर्क को आउ खूब सुंदर मुहूर्त को साउंटुथिले हेले दैव सहिलानी तांकर से असुमारी खुशी को तांको पवित्र प्रेमरी सते जेमिति कहार नजर लागिकला। तांको दुहिंक प्रेमरे आसिकला उच्च निचर एक बड़ पाचेरी। एकथा को सुनी से ही राज्यर राजा रागी उठिले से कहिले गोटे छोटो जाति निच घरर झियो कौन होई पारिब केबे ए राज्यर भाबिराणी। एकथा को राजा आदुम्भी बरदास्त करि पारिले नाही आउ पुओ को नदीपठारु धरि आणिबा पई सैन्य मानंकु आदेश देले। राजकुमार को कोळरे धरी निजर धळा ओढ़णी को तांको मुंडरे ढांकी देथिले कासतंडी। दुहे परस्पर को जाबुड़ी धरी निज प्रेमर मुहूर्त को उपभोग करुथुबा समय रे पहुंचे जाइथिले सैन्य सामंत। आउ ए सबु देखी सेनापति कहिले ए कौन राजकुमार छार ए गोटे गरीब घरर झियो पई आपण इति सुंदर राजमहल को छाड़ी आसिछंती। राजा आदेश देछंती तुरंत आम सहित राजमहल को चलंतु किंतु राजकुमार उवास को गले कासतंडी को नेकी जिबे नचेत जिबेनी बोली सीधा सीधा कहिदेले। आउ सैन्य सामंत माने मध्य निरुपाय हुई गले आउ सब कथा पुणी थरे राजांक पाई कही पठाइले। राजा कहिले कासतंडी परी एक गरीब घरर झियो केबे भी ए महल रो भाबिराणी होई पारिबो नाही तेणुकरी कासतंडी को सेठारे कबर दे राजकुमार को राजमहल को नहीं आसवा पाई राजा आदेश दे सैन्य सामंत को। आउ राजा सब कथा शुणापर सैन्य सामंत आउ टीके भी अपेक्षा नक सेठारे गात खोली कासतंडी को पोतीदे। से ही समय राजकुमार भारी विकल होते कासतंडी किंतु सैन्य सामंत कण ताक कथा शुणुले राजा पर आदेश देते कासतंडी को सेठी कबर देदेपी। आउ राजकुमार छाती फटे सेठी कांदुले छाड़ी दि मो कासतंडी को छाड़ी दि कही जोर जोर से चित्कार करुले। आउ जदि ताकू पोतुछ मत भी ता सहित पोते दि कही जोर जोर से चित्कार करी कांदुले राजकुमार। सतरी से दृश्य खूब हृदय विदारक रही थो मटी पोतवा बेलू कासतंडी कही उठुला तुम्हें जाओ राजकुमार राजउवास को फेरी जाओ ए सारा राज्यर सेवा करने तुम जन्म नहीं छ मत छुरी छुरी ए राज्यवासी केवे भी अन्याय करनी से सब सेवा कर
ମହାରାଜ ଯେଉଁ ବି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା? ଆଉ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ, ତୁମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଯମଲୋକକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କାଶତଣ୍ଡି କହିଲେ, ନା ରାଜକୁମାର, ତମେ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବନି, ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମର ରାଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଏଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ଆମର ମିଳନ ହେବ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏ ଶରତ ଋତୁରେ ମୁଁ ବି ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ। ଏତିକି କହି କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଆଉ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ଧରି ରାଜକୁମାର ଫେରିଲେ ରାଜଉଆସକୁ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବାପା ମୋତେ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିବେନି। ମୁଁ ବି ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ମୋ ଜିଦି କେବେ ବି ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଶରତ ଋତୁକୁ, କାହିଁକିନା ରାଜକୁମାର ସାରା ଜୀବନ ଆଉ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ରାଜକୁମାର ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପାଖକୁ। ଶରତ ଋତୁରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାଶତଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। କଥା ରହିଛି, ମନର ମଣିଷ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆଗରେ ବସି ମନର କଥାକୁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତି, ତେବେ କାଳେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଗୁଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ କାଶତଣ୍ଡି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସଜେଇ ହେଲେଣି, ପୃଥିବୀ ଆମର ଧୋବ ଫରଫର ଦେଖା କଲାଣି। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ସଜାଗ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ମାଙ୍କର ତୋରଣମାନ ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ନିହାତି ଛୁଇଁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।